मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ मीनू और मीनू का ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हाँ जस्ट अभी मैं उठी हूँ सो के, लाइट भी हो रही है बंद घर की, मौसम हो रहा है एकदम मस्त, बहुत ही बढ़िया। आज हुई है बारिश, मतलब रात से ही हो रही है तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। देखो फैन भी बंद है फिर भी एकदम तरी हो रखी है। और ये देखो हमारी बसंती भी आ गई है, बसंती आ गई है बिस्किट का पैकेट लेके, चाय बनेगी, हम लोग फिर अपना करेंगे नाश्ता पानी और यहीं से करते हैं हम अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग। सुबह के बजे हैं कितने, 7:45 नहीं, अभी फिलहाल सही बता रही हूँ, 7:45 बजे हैं। देखो 7 और 8 पे सोई है, 7:45 बज गए, बाहर बारिश हो रही है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बालकनी में से, ये देखो गधे का बच्चा आ गया, क्या लेके आया ये बिस्किट। चलिए मैं दिखाती हूँ बालकनी में से, दीदी उम्मीद देगी और बाहर मौसम कितना बढ़िया हो रहा है, बारिश हो रही है। मैं दीदी बनाना स्टार्ट हो गया, उसमें मोगरा वाला जो फूल था और काफ़ी अच्छा मौसम हो गया। मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, बारिश ना करेले के प्लांट्स भी ग्रोथ कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। और ये देखो हमारे, उस दिन मैंने दिखाया था ना कि ये धीरे धीरे करके इसमें फ्लावर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो देखो छोटी छोटी सी टॉमनी बन गई हैं, वाइट कलर का उसमें जो फ्लावर है वो निकल के आ रहा है, उसमें से इतनी खुशबू आती है, ओह माय गॉड, बता नहीं सकती। मोगरे के फूल में से वैसे भी आपको पता ही है कि कितनी खुशबू आती है, बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त वाली। तो ये देखो मौसम हो रखा है एकदम फैंटास्टिक, बारिश हो रही है ना, लेकिन ये रात से हो रही है तो मौसम काफ़ी अच्छा खासा हो गया। तो फ्रेंड्स मेरी बन गई चाय, बच्चों को भी दे दी है और दूध गर्म करने के लिए रख दिया, तो ऐसे कर देती हूँ थोड़ा सा स्लो, आराम से दूध होता है, दूध मैं भी पी लूँगी, दूध के रख देती हूँ क्योंकि कुछ भी गिर जाए क्या पता। तो देखो बच्चे भी बैठे हुए हैं, मैंने नीचे सबको बिठा दिया है, चाय नाश्ता कर रहे हैं अपना, बाय और हाय और काय। बस चाय से दूर है ना, जल नहीं जाना, गरम चाय रखी है, बारिश में पियो गर्मा गर्म चाय। क्या था बुआ जी, नहीं थी दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया शरीर को लगना। Thank you.
कपड़े वॉश भी हो गए, बाहर मैंने सुखा भी दिया, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन ये कि ड्राई हो गए तो कपड़े हमारे जो है वो जल्दी सूख जाएंगे। बस थोड़े से रह गए, जैसे बेडशीट वगैरह वो रह गई है, और बच्चे पढ़ रहे हैं अंदर, अपना पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि सभी नहा भी लिए, सारा काम भी हो गया, तो सब अपना स्टडी करने में लगे पड़े हैं, तीनों के तीनों पढ़ रहे हैं। आप क्यों नहीं पढ़ रहे, क्या कर रहे हो? बुक नहीं मिल रही, इसकी बुक ढूंढ के दो। चलो काम कराओ, भी टीचर का काम नहीं हो पाएगा कंप्लीट, सीधे काम कराओ इसका। एक राउंड के कपड़े रह गए हैं, और इधर मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए थे। उससे पहले मैं कर देती हूँ थोड़े से बर्तन वॉश, और ठंडे हो जाएंगे फिर उसका भरता बना लूंगी, जब तक कपड़े जो एक राउंड के बचे हैं वो भी धुल जाएंगे। गई थी आलू के पराठे बनाने के लिए, लेकिन ये आलू तो बहुत ही ज्यादा अजीब से निकला है, मतलब पिलपिले टाइप से है, रवीले आलू नहीं है, खुसखुसे जो होते हैं जिसके पराठे बन सकते हैं वो नहीं बन सकते, तो मैं करूँगी अपना आज का प्रोग्राम कैंसिल। इसके नहीं बने, मेरे से तो नहीं बन पाने। हाँ, वेट कर रहे हैं हमारे बर्तन, तो चलिए हम इनको भी वॉश कर देते हैं। थोड़ा सा ही आटा लगा रही हूँ, ज़्यादा मैं आटा लगा नहीं रही, नमक डाल दिया है। तो आटा मैं ढक के रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर बनाऊँगी खाना। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई नहा के, आज मैंने कर लिया हेयर वॉश। वैसे सोच नहीं रही थी कि मैं हेयर वॉश करूँ, लेकिन मौसम इतना अच्छा हो रहा था, मैंने कि चलो पानी इतना ठंडा ठंडा आ रहा था ना, शर पैसे डाल देती हूँ। तो आज मैंने सिर अपना धो ही लिया लास्ट में जाके, मैं कि चलो अब क्या है, वैसे मैं संडे टू संडे धोती हूँ, तो लेकिन मैंने कि चलो धो लेती हूँ। वैसे मेरा सिर ना गंदा होता नहीं है, क्योंकि धूल मिट्टी का इतना टेंशन है नहीं जो गंदा हो, तो मुझे रोज़ रोज़ धोना पड़े। और मैंने अभी ना कॉटन के टॉवल से इसको फोल्ड कर लिया, जिससे कि ना जो पानी है वो भी मर जाए इसका। जब तक मैं बना देती हूँ बच्चों के लिए पराठे, थोड़ा सा ये मैंने कल जमा दिया था दही हांडी में, तो बस पराठे बना दूँ बच्चों के लिए और अपने लिए भी। थोड़े से लग रही है थोड़ी जोरों से भूख, तो भाई अपना खाना पीना भी जरूरी है। उसके बाद मैं अपने बाल बाल सुखाऊंगी, कपड़े वगैरह तभी सुखाऊंगी, क्योंकि आधे कपड़े रह गए थे मेरे, कपड़े थे सारे, और थोड़े से कपड़े वो करूंगी। देखो बच्चे कर रहे, उधम बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे। क्यों कर रहे हो उधम? काम किया नहीं किया, फिर से बोल रही हूँ। इसका 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 बुक कहाँ है, ट्यूशन वाली बुक कहाँ है इसकी? और इतनी सुंदर सुंदर काम किया है, गंदा गंदा इरेज करा। तेरा काम हो गया ना, इसका तीनों बुक का काम करवा कंप्लीट। एक का तो हो गया, काम कराओ कंप्लीट सारा इसका बुक का। मैं खाना बना रही हूँ, फिर खाना खाओ अपना। हाँ जी, मत खाओ, बिल्कुल मत खाओ, मैं बनाऊंगी भी नहीं, ठीक है? हाँ, मैं बनाऊंगी भी नहीं, मत खाओ। यस, गैस का ये ड्रामा रहता, अगर बाई चांस इस पर गैस के ऊपर तवा वगैरह रखा रह जाए तो वो जलने से मना कर देती है कि हम ऐसे नहीं जलेंगे, खाली करो उसके बाद में जलती है। तो अभी 11 बज गए हैं, आप लोगों का भी लंच रेडी हो ही रहा होगा, और जो ऑफिस वर्क वाले हैं और लेडीज़ हैं जितनी भी ऑफिस वर्क के लिए होती है, या फिर घर में भी किसी किसी का होता है, बहुत जल्दी खा लेते हैं। जैसे कि हमारे घर पे 9 से 10 बजे तक हमारे लास्ट खाना हो जाता है, वहाँ
मम्मी के यहाँ, यहाँ नहीं होता, यहाँ पे तो 12-1 बज जाता है, शाम का 9 भी बज जाता है, 9:30 बज जाता है, लेकिन मुझे भूख लगना लग जाती है, क्योंकि देखो हमारी आदत क्या है, वैसी ही है पहले जैसी, तो हमें तो भाई अपने टाइम पे खाना चाहिए, तो मैं तो अपना यह कि अपना जल्दी बना लेती हूँ, या फिर यह कि कुछ और भी होता है तो वो खा लेती हूँ। तो चलिए बातें करेंगे बाद में, फटाफट से मैं खाना बना लेती हूँ। मैंने दही में चीनी डाल दी है, क्योंकि बच्चों को ना मीठा दही पसंद है, तो पराठी बना दिए, दही में डाल दिया मैंने चीनी, तो आराम से खा लेंगे, उनको पसंद है ये चीज़ें। वैसे तो देखो मेरे आलू भी यहाँ पे रखे हुए हैं, उसकी सब्जी बनाऊंगी थोड़ी देर में, तो पहले बच्चों को दे दूँ, क्योंकि वो बोल रहे थे हमें सब्जी नहीं खानी है, दही से खाना है। सेजल, अनन्या, कुशु, चलो आप खाना खाओ, लो खाना रख दिया मैंने, इधर आ जाओ जल्दी। तो सभी को खिला दिया और मैं भी खा लेती हूँ सबसे पहले अपना खाना, उसके बाद फिर मैं बाल सुखाऊंगी बाहर जाके, क्योंकि घर में वो जाते फिर बहुत ज़्यादा पाली बाल। तो दही में चीनी डाल दिए, दही के पराठे अच्छे लगते हैं, तो मैं भी खा रही हूँ। वो तो नीचे से भी बता सकते हो, टीवी में घुस जाओगे। अब मैं चलाऊंगी। क्या देखना है वैसे? दीदी तो मम्मी ने कहा। दीदी तो मम्मी ने कहा। ये रही, लगा रही है इसका चैनल, इस किसी का भी नहीं लगेगा, मेरा लगेगा, ठीक? मैं देखूंगी अब। बाहर मौसम भी खुल गया, धूप भी निकलना स्टार्ट हो गई, बाल सुखा लूँ अब। बेटा हटो, मैं फोन मिला रही हूँ, आगे ना बात कर लेते हैं। नंबर तो 2।